वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गांव को। तो अभी हमारी फ्लाइट है 1:30 की इंदौर के लिए। तो चलो चलते हैं इंदौर, फिर वहां से हम गांव चलेंगे डायरेक्ट कार से। चलो। तो गाइस फाइनली अपन एयरपोर्ट पहुंच चुके। तो भाई बहुत भीड़ लग रही है, तो फटाफट अंदर चेक इन करने चलते हैं। भाई बहुत भीड़ लग रही है इधर। ऐसे आ गए हम यहाँ पर। हाँ, मेरे गोप्रो अपने गोप्रो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मन कर रहा मेरा, ये यूज़ नहीं करता। एक फ़ोन से बनाता हूँ मेरा। तो यहाँ हम तीसरी बार हैं, मतलब 9th फ्लाइट है हमारी। है हमने चेक इन भी करा लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन कराने। बस सब चेक इन हो गया, डाल रखे मैंने ताकि एयरमैक्स एक्सी। सिक्योरिटी चेक इन भी करा लिया गई, सब हो गया। फ्लाइट होगी डीले हमारी, यहाँ भी पहले 1:30 को थी, अभी 1:55 हो गई। गेट नंबर 9 फाइनली सब कुछ हो चुका है। फ्लाइट डिले हो गई थी, अभी 2:05 हो रहे हैं, 2:30 तक उड़ेगी। पहले इसका टाइम था 2:35 का, दिख रही हो गया आपको उधर। तो चलो भाई जल्दी चलते हैं, यार लेट हो गया भाई। इतना कदा शेड्यूल बिगड़ जाता है पूरा। बहुत सारे प्राइवेट जेट खड़े हो रही है अपनी इंडी को। चलो हमको बोला है पीछे जाने के। तो भाई इसका इंजन देखो बहुत बड़ा है, तो अभी हमको पीछे जाना है। फाइनली अराइव के डी बी आई लेवा होलकर एयरपोर्ट इंदौर। तो बाहर अभी फ्लाइट रुकी हुई है, तो फाइनली लैंडेड। अभी बाहर चलते हैं, अपने भाई से मिलूंगा कैलाश से 1.5 साल बाद। चलो भाई बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। तो गाइस यार फाइनली अराइव एट इंदौर एयरपोर्ट। तो अभी हमारा लगे जाएगा बैगेज काउंटर नंबर 2 पे। तो चलो टाइम हो गया 3:40, लेट हो गया भाई आधा घंटा। तो गाइस ये अभी हमने सामान ले चुके हैं, तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। बाहर हमारा वेट कर रहा है मेरा भाई, उसके बाद हम गांव जाएंगे और हमको कार भी मिलेगी, मतलब कार पापा की फ्रेंड लेके आएंगे। लेकिन कार लेके तो आएंगे जल्दी, पहले कार लेके आते। आज फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट से आए गांव के लिए। तो चलो ओके है, वेलकम टू द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर। भाई भी आ रहे हैं, उसका लाइव लोकेशन बोल रहा है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। तो भाई क्या ठंड लग रही है? अरे बहुत ठंड लग रही है, 11 डिग्री हो रहा है। मैं तो खाली एक ऐसा पतला शर्ट पहन रखा है। तो चलो गाड़ी में चलते फटाफट। तो कैसा लगा कैलाश से मिलके? उसको आने देना आजा आजा। ऐसे भी हम इधर रुके हैं सीएनजी भरवाने के लिए और पेट्रोल भराने के लिए। ये गाड़ी है, इससे हम गाँव जाएंगे। तो चलो, तो अभी हो गए 6 बजने को आए हैं। ये देखो धुआं से कोहरा निकल रहा है, 3 डिग्री ऐसे नहीं दिख रहा पर हाँ निकल रहा है। तो फिर इधर चाय पीने को निकले भाई, मैं आपको बाहर दिखा, कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर भाई, बहुत ठंडी 3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इधर। टाइम हो गया है करीबन 9:30 बज चुके हैं। अभी हम हमारे गांव से बस कितना 50 मिनट दूर होंगे, और यहाँ पे आने के बाद बाजू में भी खेत, इधर भी खेत। ये भी गांव की खासियत होती है कि आजू बाजू खेत। और क्लास में आपकी क्या कहना है इस पे? कुछ नहीं, शर्मा ही रो शर्मा रहे भाई क्लास में अपने। तो गाइस हम फाइनली अपने गांव में एंटर हो चुके हैं, गांव स्टार्ट हो गया है। तो गाइस वो वाला घर है हमारा, जो आप देख सकते हो, ये
पेड़ के जस्ट पीछे। हाँ ये ये वाला येलो येलो कलर। अभी घर में एंट्री करते हैं भाई, बहुत ये 1.5 साल बाद। तो भाई ये रहा हमारा प्यारा कार्तिक, कितना छोटा था पहले, अभी कितना बड़ा हो गया ये। फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमको चाचू मिल गए हैं और कार्तिक ये पूरा धूप में हो चुका है। वो जो गिर चुका है भाई, बहुत थक गया, बहुत हो चुका है। मैं सो गया था 3-4 घंटे। अभी गाड़ी देगा? हम कहाँ खींच रहे थे? पर जस्ट घर के बाजू में बना हुआ है ये, यहाँ सब सामान रखते हैं। वैसे हम इधर आए थे, ये किलू भाई का घर है, हमारे कैलाश भाई का घर है ये। तो ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, चलो हमारे यहाँ कोई तो लेक है, तो इसका नाम हम तराव रखा है, तराव, उसको तराव बोलते हैं। तो लेक है तो घर से पास में, घर अपना उस तरफ है, तो वैसे घूम रहे बस गाँव आके। मैं देखो कितनी प्यारी बच्ची है गाय की, ये देखो। या तो भाई इसका मेरे भाई कार्तिक का आज मुंडन है, तो वह भी हाँ मतलब आज हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, तो हम सफारी निकालते हैं। जल्दी कर भाई, केला इतना लेट क्या कर रहा है? खोलना खोलना। हाँ तो ये रही सफारी, आप जैसे देख सकते हो धूल लग रही है, पर हाँ ठीक है, अच्छा है। तो वैसे आपको यहाँ जो स्कूल दिख रहा है, यहाँ पहले मम्मी पापा पढ़ना है ये स्कूल में। करता हूँ सोचो, पहुंच चुके गाइस मंदिर, आप देख सकते हो। जैसे हम गाइस पूरा मंदिर पहुंच चुके हैं, जिसने यहाँ पार्किंग लगाई जा रही गाड़ी, ये हमारे कार्तिक भाई साहब। और बताओ कार्तिक भाई साहब कैसे हैं? मंदिर इज देयर, मंदिर बोल रहा। अच्छा वो मंदिर है क्या? वो मैं बन गया। हाँ तो ऐसे ही आ गया है श्री भैरवनाथ मंदिर, हम अभी इसके अंदर जा रहे हैं। ये हमारे गांव से करीबन 100 किलोमीटर दूर था, तो वो कुछ अपने ही निकालनी पड़ी। जय हो भैरव जी, जय हो भैरव जी। तो ये मंदिर ऐसा नया बन रहा है, ये तो गाइस ये से जुगाड़ लग रहा है ना एयरपोर्ट निकले, तो फर्स्ट आपको इस तरह से घुमाना रहता है। घूम जा बहुत टाइट है। हाँ जैसे घुमा दिया, ठीक है, घुमाने के बाद पूरा इसको ऊपर ले लो, यानी ले लिया। अब नीचे आपको जैसे यहाँ देखो नारियल नारियल रख दो और इसको छोड़ दो, ये ऑटोमेटिक उसको तोड़ देगा। या तो अपना प्रेशर लगा के भी तोड़ सकते हो। ये उठा इसको, ऊपर कर ऊपर कर, हाँ पकड़ डाल दे, हाँ छोड़ दे।
ये देखो ये ऐसे आप कर सकते हैं। तो गाइस ये है मोड़िया महादेव मंदिर, फिर यहाँ भी आया और यहाँ थोड़ी अभी सर्दी लगने लगी है, चालू होने लगी है क्योंकि टाइम 6 o'clock हो चुका है।